अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात बतानी है आपको। एंगुलर एक्सेलरेशन वाला टॉपिक एंड पे बता रहा है, ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक सिंगल पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करते हैं जो सेंटर को मिलाती है। अब जो जो ये पॉइंट मूव करता है, ये लाइन भी क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, जब पॉइंट पी वन, जब वह बॉडी पॉइंट पी वन पे थी तो उसकी लाइन ये वाली थी, जब पॉइंट पी टू पर चले गई तो अभी इसकी ये जो लाइन है मूव करके यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो क्या बताता है, इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा अगर हम एक सिंगल पार्टिकल की ना बात करें, किसी रिजिड बॉडी की बात करें, जैसे ना कोई लकड़ी का ब्लॉक है फॉर एग्जाम्पल, वो सर्कल में मूव कर रहा है। अब रिजिड बॉडी तो एक पार्टिकल से नहीं ना मिलकर बनती, वो तो बहुत से पार्टिकल से मिलकर बनती है। तो रिजिड बॉडी पे हम कोई भी एक पार्टिकल को लेके एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं, यानी एक लाइन ड्रा कर लेंगे ओ पी, और जब ये रिजिड बॉडी मूव करेगी तो ये जो लाइन ओ पी है ये भी क्या करेगी, मूव। तो एक सिंगल पार्टिकल को लेके जो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं ना, वही पूरी रिजिड बॉडी का होगा। पूरी रिजिड बॉडी ही उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। जैसे ना एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा हमारे पास जब मूव कर रहा होता है तो दरवाजे का हर पार्टिकल, जब दरवाज़ा 360 डिग्री कंप्लीट कर 90 डिग्री कंप्लीट करता है तो दरवाजे का हर पॉइंट 90 डिग्री ही कंप्लीट करता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि दरवाजे का एंड वाला पॉइंट 90 डिग्री कंप्लीट करे और नीचे वाला पॉइंट 90 डिग्री नहीं करेगा। दरवाज़ा जब यहाँ से, ये देखिए दरवाज़ा यूँ था, ये बंद कर दिया हमने, तो इधर वाले पार्टिकल ने भी 90 डिग्री कवर किया, इधर भी 90 डिग्री कवर हुआ, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो हम किसी भी एक पार्टिकल को लेकर अगर लाइन ड्रा करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना रिजिड बॉडी, तो वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल का होगा। ये हम कह सकते हैं पूरी की पूरी रिजिड बॉडी का ही वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा जो हम एक सिंगल पार्टिकल को लेके लाइन ड्रा करके फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैसे आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो रिजिड बॉडी को हम आगे जब डिस्कशन करेंगे तो हम पूरी रिजिड बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन को निकालने के लिए एक सिंगल पार्टिकल को लेके उसके लाइन ड्रा करते हैं जो सेंटर को मिलाती है, और सिंगल पार्टिकल का जो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और रिजिड बॉडी, वही पूरी रिजिड बॉडी का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आज जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है ना, आपको पता होना चाहिए उसकी लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, दोनों वेलोसिटी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वो अलोंग द सर्कमफेरेंस डिस्टेंस भी तो कवर कर रही है, तो लॉन्ग द सर्कमफेरेंस डिस्टेंस कवर करने की वजह से भी उसकी वेलोसिटी होती है, और एंगल कवर करने की वजह से भी वेलोसिटी होती है। जो डिस्टेंस कवर करने की वजह से वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी होती है, और जो एंगल की वजह से वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। और लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन ये होता है वी इजिकल आर ओमेगा, ये प्रूफ बोर्ड में पूछते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में अहम बात यही है। तो आप देखें इस डायग्राम में कि हमारे पास बॉडी पॉइंट पी वन से पी टू तक जा रही है, उसने डिस्टेंस लॉन्ग सर्कमफेरेंस कवर किया डेल्टा एस, और रेडियस ऑफ द सर्कल आर है। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डेल्टा थीटा है। कि लेट अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी वन टू पी टू इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी बाय कवरिंग डिस्टेंस डेल्टा एस अलॉन्ग सर्कमफेरेंस एंड सबटेंडिंग एंगल डेल्टा थीटा एट सेंटर। तो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है वो किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ये आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस जो मैंने पहले टॉपिक में आपको बताया था, तो डेल्टा एस बराबर आ जाएगा आर डेल्टा थीटा। अब दोनों साइड को टाइम पे डिवाइड कर दो, और अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूँ कि टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये लिमिट मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जब टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच करेगा तो ये दोनों पॉइंट्स वेरी क्लोज आ जाएंगे। जब ये पॉइंट दोनों वेरी क्लोज आ जाएंगे तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों मिल सकती हैं। देखें ना, अगर मैं डेल्टा टी वेरी स्मॉल रखूँगा तो पॉइंट पी वन और पी टू इतने क्लोज होंगे हमें लगेगा एक ही पॉइंट है ये। और दूसरा ये भी आप देखें, जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल होगा तो पॉइंट पी वन और पी टू जब वेरी क्लोज होंगे तो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। जब उनका डिस्टेंस लीनियर हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, लीनियर। कि हमारे पास ओवरऑल वेलोसिटी लीनियर नहीं है, ओवरऑल तो मोशन लीनियर नहीं है, लेकिन अगर हम वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आर्क लेंथ को लेके चलें तो वो तो लीनियर हो जाएगी ना, वो तो स्ट्रेट हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, जो हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिमिट टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच करवाते हैं अगर, तो ये जो डेल्टा एस है वो डेल्टा टी, जिसमें लिमिट टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर रहा है वो किसके बराबर आ जाएगी, वेलोसिटी के।
और डेल्टा थीटा और डेल्टा टी जिस पर लिमिट टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच कर रहा है वो किसके बराबर आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी पे, जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हमें बताएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर आपसे कहें हमने लिमिट यहाँ पे क्यों लगाई है, ताकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में तो बहुत से पॉइंट हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को जानने के लिए हम टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या रख रहे हैं, वेरी स्मॉल अप्रोचेस टू जीरो। जब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल होगा तो पॉइंट ए और बी वेरी क्लोज होंगे तो हमें लगेगा कि ये एक ही पॉइंट है, ठीक है, क्लियर। तो हम जब ये पुट कर देंगे तो हमारे पास ये प्रूव हो गया बाकी ये वी किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के। लीनियर वेलोसिटी कैसे हासिल होती है, एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करने से। अब आपको इस टॉपिक में ये बातें बता होनी चाहिए, नोट ये डिस्कशन में कर रहा हूँ एमसीक्यूज के वाले से, कि व्हेन बॉडी मूव्स इन सर्कल देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी कैन बी मैनिपुलेटेड एज स्केलर बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज फिक्स अलोंग एक्सिस रोटेशन। जबकि बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है ना, तो कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी को हम एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है अलोंग एक्सिस रोटेशन। और मैंने आपको बताया था जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स हो तो उसे हम एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे v इज इक्वल आर ओमेगा फॉर्मूले को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे ओमेगा क्रॉस r लिखते हैं, ये एमसीक्यूज भी आता है जिसको मैं ओमेगा r साइन थीटा n कैप लिख सकता हूँ। पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे n कैप डायरेक्शन बता रहे हैं लीनियर वेलोसिटी की जो लॉन्ग टेंजेंट होगी। अब यहाँ पे अगर बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करेगी ना तो यहाँ पे थीटा 90 होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, ये एमसीक्यूज भी आता है। तो अगर आप थीटा यहाँ पे 90 पुट करो साइन 91 तो v इज इक्वल r ओमेगा, देखें बाकी आप भी रहे तो v इज इक्वल आर ओमेगा सर्कुलर मोशन में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे थीटा क्या होता है 90। इसके अलावा आपको पता चाहिए सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लीनियर वेलोसिटी और रेडियस भी आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर। अब आपको ये पता होना चाहिए लीनियर वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इन सर्कुलर मोशन इज लॉन्ग टेंजेंट। सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी जो होती है ना हमेशा लॉन्गली टेंजेंट होती है। क्या आप देखें यहाँ पे अगर हम वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं जब पॉइंट ए और बी वेरी ये पी वन और पी टू वेरी क्लोज आएंगे तो पी वन से पी टू के दरमियान जब वेरी स्ट्रेट पाथ होगा तो आप वहाँ पे देखोगे वेलोसिटी भी उस स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग होगी, यानी अलोंग दी टेंजेंट होगी, वो अलोंग दी टेंजेंट, इसलिए हम इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। आप देखें ना अगर मैं वेरी क्लोज टू पॉइंट्स लेता हूँ यहाँ पे वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट्स कर लेता हूँ तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है तो वेलोसिटी अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट ही होती है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को लेकर अगर मैं वेक्टर ड्रा करता हूँ तो वो अलोंग दी टेंजेंट बन रहा है, लिहाजा वेलोसिटी भी क्या होगी अलोंग दी टेंजेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। जब सर्कल में बॉडी मूव करती है ना वेरी क्लोज टू पॉइंट्स के दरमियान तो वेलोसिटी अलोंग दी टेंजेंट आती है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल तो डिस्टेंस कर्व है ना, लेकिन फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डिस्टेंस क्या होती है स्ट्रेट, तो फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल हम जो वेलोसिटी की बात करेंगे वो क्या होगी लीनियर वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लीनियर वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इन सर्कुलर मोशन इज अलोंग टेंजेंट, दैट इज वाई उससे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे ए इज इक्वल आर ओ अल्फा, जबकि बॉडी सर्कल में मूव करती है उसके एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो होते हैं, एक एंगुलर एक्सेलरेशन एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल भी होता है मैं कल बताऊंगा। ए इज इक्वल टू आर अल्फा हम लिखते हैं लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्म में, ये कैसे बनाए डेल्टा वी बराबर आर डेल्टा ओमेगा लिख सकता हूँ, जिस तरह वी इज इक्वल आर ओमेगा है ना फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल मैं इसके साथ दोनों के साथ डेल्टा लगा सकता हूँ, दोनों साइड को टाइम पे डिवाइड करो और टाइम इंटरवल जीरो को अगर हम अप्रोच करवा दें तो मैं इसको क्या कह दूंगा लीनियर एक्सेलरेशन, इसको क्या कह दूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये ए इज इक्वल आर अल्फा आ गया हमारे पास, ये भी क्या हो गया प्रूफ। और यहाँ हम टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल क्यों रख रहे हैं, ताकि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन मिल सके सर्कुलर मोशन में, ठीक है क्लियर। तो ए इज इक्वल आर अल्फा इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो ये लिखेंगे ए वेक्टर अल्फा क्रॉस आर, ये मैंने लिखा नहीं आप लिख लेना ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन में थीटा 90 होगा, उसका फॉर्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू अल्फा आर साइन थीटा एन कैप, तो वहाँ पे भी जब थीटा 90 होगा तो ए बराबर आ जाएगा सिंपल आर अल्फा, ये आ गया आप राइट डाउन कर लेना। अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि रिजिड बॉडी पे हर पार्टिकल की सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, जिस तरह मैं अभी बता रहा था आपको, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये एक रिजिड बॉडी है ये मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक गई है, तो इधर वाले पार्टिकल ने भी 90 डिग्री कवर किया है, इधर जो पार्टिकल है उसने भी 90 डिग्री ही कवर किया है, हर पार्टिकल सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है रिजिड बॉडी में, तो एंगुलर वेलोसिटी भी फिर क्या होगी सेम और एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा सेम। लेकिन आपको बताना चाहिए लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट कवर करते हैं। देखें जो एंड पे पार्टिकल है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जो इधर वाला पार्टिकल है वो थोड़ी डिस्टेंस कवर कर रहा है, देखें उसका सर्कल छोटा बन रहा है। तो
लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हैं हर पार्टिकल के डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस, लेकिन एंगुलर पैरामीटर सेम होते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आपकी बुक में इस टॉपिक में के एंड पे लिखा हुआ है, इसे आप देख लेना, ठीक है। एंड पे इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताऊँ जी, फॉर सर्कुलर मोशन हम जब लिखते हैं तो आप देखें लीनियर मोशन में हम ये लिखते हैं ना, vf = va + at। सर्कुलर मोशन में v की जगह ओमेगा आ जाएगा बस, ठीक है, तो ये और a की जगह अल्फा। सेकंड इक्वेशन ये है तो s की जगह हम थीटा लिखेंगे, क्योंकि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं सर्कुलर मोशन में, ओमेगा आई टी प्लस वन ओवर टू अल्फा टी स्क्वेयर, और यहाँ पे a s की जगह आ जाएगा अल्फा थीटा, यानी v को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, a को अल्फा से और डिस्टेंस को थीटा से। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको सर्कुलर मोशन के लिए लिखनी आनी चाहिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में ये प्रूव आपने याद करने, बाकी जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं एमसीक्यू उसके लिए करने हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है, अल्लाह हाफिज़।